इससे पहले कि पेरेंट्स जो हैं सोशल मीडिया पे इन बातों को प्रमोट करें, मुझे लगता है उनको एक बार ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए और उन सब पेरेंट्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए जो पेरेंट्स जो है एग्ज़ाम कैंसिल के लिए फेवर कर रहे हैं। एजुकेशन जो है वो स्ट्रेस नहीं बल्कि स्ट्रेस बस्टर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फिजिक्स बीस चैनल। सोच रहा था वीडियो कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। फिर अब आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ा पॉपुलर हैशटैग चल रहा है जिसका नाम है कैंसल नीट एंड जेई। अब CBSE के एग्ज़ाम तो आप जानते ही हैं कि कैंसिल हो चुके हैं, और जब ऐसा हुआ तो ऐसा होने का जो बेसिक रीज़न जो दिया गया वो यही दिया गया कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि हमारी तरफ से तैयारी पूरी नहीं है। उन्होंने जो एग्ज़ाम को कैंसिल किया वो ये देखते हुए किया कि स्ट्रेस बहुत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बच्चों में, और क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत जो है वो उठ रही है, मतलब आवाज़ उठती है जब पेरेंट्स की और कोर्ट में तक बात पहुंच जाती है, तो लगता है कि अब इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए। अब आप पूछेंगे मैं किस फेवर में हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैं उस फेवर में हूँ जहाँ पे बच्चों का बेनिफिट हो। बच्चों का बेनिफिट दोनों सोचना होगा, सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं सोचना है कि अगर हम यूट्यूब के ऊपर आग लगा दें कि कैंसिल 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 सो दैट आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ, आपके व्यूअर्स बढ़ जाएँ, सिर्फ अगर आप इसीलिए अगर आप जो है ये कर रहे हैं तो आज शायद आपको फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ सालों बाद आपको अंदर से गिल्ट आएगा कि आपने एक कम्युनिटी को आपने जो है गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया। मैं सारी बातें डिटेल में करूँगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अगर आपको अपना ओपिनियन दूँ तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, मैं आपको सारी बातें जो है क्लियर करूँगा इस वीडियो में। मैं आप ये सोचेंगे कि मैं गवर्नमेंट की तरफ हूँ या मैं आपकी तरफ हूँ या मैं किसकी तरफ हूँ, अगर आपको अगर ऐसा कहीं किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, शायद आपको समझ में आ जाए कि JEE का नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होने से किसको नुकसान होने वाला है, गवर्नमेंट को कितना नुकसान होगा और आपको कितना नुकसान होगा, दोनों बारे में बात करूँगा। और मैं बात करूँगा कि अगर ये एग्ज़ाम इस सिचुएशन में हो जाता है तो स्टूडेंट्स को इस साल कितना बेनिफिट होने वाला है। वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एग्ज़ाम तो हम सोशल मीडिया का प्रेशर बना के हम कैंसिल करवा लेंगे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अगर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अगर हैशटैग्स अगर ट्रेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बात गवर्नमेंट तक पहुंच रही है, और ट्विटर के थ्रू अगर हम भेजते हैं तो डेफिनेटली बात बहुत जल्दी, ट्विटर और यूट्यूब दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आवाज़ जल्दी पहुंचती है, क्योंकि CBSE दोनों जगह एक्टिव है, MHRD दोनों जगह एक्टिव है और वो देखता रहता है कि क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है और उनके हर तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा अगर आपने कंपेल किया कि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो हो सकता है कि शायद एग्ज़ाम सच में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम इससे पहले कि हम सीधा जो है ये बात शुरू कर दें कि एग्ज़ाम कैंसिल करो, लेकिन हमें ये समझना होगा कि एग्ज़ाम कैंसिल करने का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। मैंने कुछ डेटा निकाला है JEE और नीट के बारे में। अकेले सिर्फ JEE एग्ज़ाम जो है 10 लाख बच्चे देते हैं, इसी तरीके से नीट का एग्ज़ाम भी लगभग इतने बच्चे ऑल ओवर इंडिया देते हैं, और ये टोटल मिला के कुछ 20 लाख बच्चे समझ लीजिए, 20 लाख एप्लीकेशन जो हैं वो रजिस्ट्रेशन में जाती हैं। एक बात हमें समझ में आ गई कि ये जो पूरा जो गेम है, ये पूरा अप्रॉक्सीमेट जो गेम है, ये कहीं ना कहीं 200 करोड़ के आसपास का है। इट इज़ नियर गेम ऑफ 200 करोड़। तो अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो गवर्नमेंट को पहली बात तो ये अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा या जो भी होगा अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है, क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, तो एक साल में दो बार एग्ज़ाम होता है JEE का, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट जो गेन लेती है गवर्नमेंट वो एक अकेले एग्ज़ाम से लेती है, JEE के एग्ज़ाम से लेती है, और इस साल में दो बार होता है तो 200 करोड़ सिर्फ अकेला JEE का है। जहाँ तक नीट की बात है, नीट का एग्ज़ाम साल में एक ही बार होता है, तो 100 करोड़ के आसपास उसमें भी ऐड कर दो, और इस तरीके से 300 करोड़ सालाना ईयर का जो है सिर्फ और सिर्फ JEE और नीट से आता है। अब JEE और नीट आपको लग रहा होगा JEE और नीट कैंसिल होने से गवर्नमेंट को 300 करोड़ का लॉस होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम्स को देखें तो बहुत सारे और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वो सारे भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, बड़े बड़े ऐसे 10 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आने वाले टाइम में होने वाले हैं। आई थिंक 1000 करोड़ का एक बड़ा लॉस जो है होने वाला है एग्ज़ाम कराने के लिए। गवर्नमेंट जो है इसलिए एक तो रीज़न है कि गवर्नमेंट जो है चाहती है कि एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट जो है ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का जो है बहुत बड़ा लॉस जो है इस इंडस्ट्री को होगा जो गवर्नमेंट को देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी इस टाइम पर कोलैप्स हो गए हैं। आकाश हो गया या बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लेके मुझे लगता है कि कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ऑल्दो हम इतने बड़े YouTube चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा वीडियो कहाँ किस तक पहुँच जाए, और इसीलिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों पर लॉस को अगर बियर कर लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना बड़ा लॉस तो झेल ही रही है पेट्रोल से, और कहीं ना कहीं से आपकी जेब से पैसा तो निकाल ही लिया जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स किसी ना किसी तरीके से तो निकाल ही लेगी,
तो अगर हम ये सोचें कि गवर्नमेंट अगर इस साल को 0 ईयर डिक्लेयर कर देती है, तो आप सिर्फ 5 मिनट आप बैठ के ये सोचो कि इस साल को 0 ईयर डिक्लेयर कर दे, तो सबसे बड़ा लॉस किसको है? गवर्नमेंट को किस बात का लॉस है? सिर्फ 1000 करोड़ का लॉस है, मे बी शायद कुछ और करोड़ का लॉस हो जाएगा, लेकिन हम ये समझने की कोशिश करें कि 1 ईयर किसका ख़राब होने वाला है, ये समझने की कोशिश करिए कि अगले साल आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, जबकि अगले साल आप क्या करेंगे, अगले साल आप दोबारा से एडमिशन लेने के लिए फिर से फॉर्म भर रहे होंगे, तो क्या आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात, सारे बच्चे समझने की कोशिश करिए कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो पिछले साल वाले बच्चे हैं अगर वो 0 ईयर अगर वो करते हैं, क्योंकि 0 ईयर में भी बहुत सारी बातें रहेंगी कि किस तरह से 0 ईयर किया जा रहा है, क्या सिर्फ जो करंटली बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं सिर्फ उनको, और जो 11th से 12th में आ गए उन बच्चों का क्या होगा, क्या वो 11th में ही माने जाएंगे या वो 12th में आ जाएंगे? और अगर वो 12th में आ जाएंगे तो अगले साल वो 10 लाख बच्चे भी आपके आपके केस में ऐड हो जाएंगे, और आगे नंबर ऑफ़ सीट तो बढ़ने वाली है नहीं। तो आपने समझने की कोशिश करें कि क्या जो बात जिस जिस नज़रिए से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या उस नज़रिए से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या उस नज़रिए से अरे CBSE वालों इनकी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ गेन करने के लिए। और देखो आप कितनी तेज़ी से लोगों के सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, मुझे जेलसी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि गलत इंसान को लोग फॉलो करे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप किस तरीके से जो है लोगों को गाइड कर रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये तो बिल्कुल भी डेफिनेटली नहीं कहूँगा कि देखिए CBSE तक अगर बात की तो इंटरनल असेसमेंट जो है उन्होंने अच्छा किया, ठीक किया, क्योंकि CBSE का एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जब एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात होती है। या तो कई सारे लोग हैं जो जो JEE नीट के एग्ज़ाम को जो है डिनाई करते हैं, नीट एग्ज़ाम को लेके तो मेरे ख्याल से साउथ में एक मुहिम भी चल रही है कि इस एग्ज़ाम को फॉरएवर के लिए ख़त्म कर दिया जाए। आपके पास बी प्लान क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब आप लोग बोलते हो कि ऐसा सा कर दिया जाए तो रीज़न क्या है, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है तो आप बात करिए, अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है तो आप कैसे बात करेंगे? तो एक साल बहुत बड़ा वेस्ट हो जाएगा सबसे पहली बात, दूसरी बात अगले साल आपको एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा, बहुत ही चांस कम हो जाने वाला है, अगर और बच्चे ऐड हो जाएंगे तो 50% आपका और चांस कम हो जाएगा, तो एक बड़ा कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स तो डबल होने वाली है नहीं। इतना बड़ा प्रेशर जो सोशल मीडिया पे क्रिएट हो गया है, उसके बाद में 3 जुलाई को गवर्नमेंट इस बात को डिसाइड करेगी कि वो JEE और नीट का एग्जाम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। मेरा ऐसा सजेशन है, मैं फिंगर क्रॉस करके बैठा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि एग्ज़ाम जो है ये होना चाहिए, चाहे अभी हो, चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे 2 महीने बाद हो, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम इसी साल हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर ये एग्ज़ाम नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा एक बड़ी प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट करने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जो अगले साल एडमिशन के लिए सीरियस हैं। और जो बच्चे सीरियस कम हैं, जो कहते हैं कि हमें एक साल ड्रॉप करके हमें तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, तो बच्चों मैं आपको बता दूँ आपका कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अगले साल एडमिशन लेने के लिए बहुत मेहनत करने वाले हो। मेरा पर्सनल व्यू है, अगर जुलाई में सिचुएशन ख़राब होती है तो हम ज़्यादा से ये कर सकते हैं कि हम अक्टूबर तक वेट कर सकते हैं, और अक्टूबर के बाद हम एग्ज़ाम्स करा के और जो है जल्दी से कॉलेज को स्टार्ट कर सकते हैं। सोचता हूँ कि शायद से एक सेमेस्टर के 2 या 3 महीने ख़राब हो जाएंगे, लेकिन आगे चल के, क्योंकि कॉलेज तो वैसे भी अगस्त में शुरू होता है, तो सेप्टेम्बर अक्टूबर अगर 2-3 महीने अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो वो आगे चल के समर वेकेशन में कंपनसेट किए जा सकते हैं। ये मेरा बिलीव है कि मेरा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो अगर आप उससे पूछोगे तो मुझे लगता है शायद से वो डेफिनेटली यही बात बोलेगा कि एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन जिसकी तैयारी नहीं है, जिसने पढ़ाई नहीं करी है, जिसने, वो कहेगा नहीं एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है इसलिए वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है, वो इधर उधर के बहाने ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और जो अच्छा बच्चा है, अगर अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो रह जाएंगे, तो जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो वो तो इसका मतलब ये चाहते हैं कि एक साल उनका ख़राब हो ही जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें भी इसको ऑप्शन दे देना चाहिए कि जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, दोनों ऑप्शन बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है कि कोरोना की इस सिचुएशन में बाहर निकलना है या नहीं निकलना है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं अच्छी है, जैसा भी है वो उसको खुद डिसाइड करना चाहिए। और जहाँ तक बात है इन सब सिचुएशंस को लेके, तो मुझे ऐसा लगता है कि काम किए जा सकते हैं, सिचुएशंस हैंडल की जा सकती है, गवर्नमेंट से एग्ज़ाम कैंसिल की डिमांड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि हमें गवर्नमेंट से ये डिमांड करनी चाहिए कि एक सेंटर पे, एक जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम से कम आए, यानी कि अगर मान लीजिए वो एक सेंटर पे 2000 बच्चों को बुला रहे हैं तो वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को सीधा डिक्रीज करके 25% कर दें, सो दैट बच्चों के बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन हो जाए, और कोशिश करी जाए क्योंकि कोशिश की जाए कि बच्चे दूर दूर बैठे, आपस में एक दूसरे से ना मिले, हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। ये एग्ज़ाम कैंसिल करना एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से चलता है उसके हिसाब से आप लोगों को फ्यूचर में क्या लॉस होने वाला है ये समझने की ज़रूरत है। अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर एग्ज़ाम हो जाता है इस बार तो क्या बेनिफिट्स होंगे बच्चों को। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम पे अभी भी बहुत डर में हैं, तो हो सकता है कि अगर अगर ऐसा हो तो कई सारे बच्चे जो है जनवरी एग्ज़ाम अगर का ऑप्शन दे दे कि एग्ज़ाम आप अभी दे दो या जनवरी में दे दो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जनवरी वाले एग्ज़ाम प्रेफर करेंगे, यानी नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए जाएंगे,
और ये वाला जो एग्ज़ाम है, इस वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत कम बच्चे जो हैं वो ऑप्ट करेंगे। जुलाई वाला एग्ज़ाम अगर हम कंडक्ट करा लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि बच्चे जो हैं एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अगर कट ऑफ बहुत कम हो जाती है तो कई सारे चांसेस है कि बहुत सारे बच्चों को एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में मिल सकता है, क्योंकि अगर कट ऑफ कम हुई तो बहुत सारे बच्चे जो है इस एडमिशन से के थ्रू चले जाएंगे। लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए जाते हैं तो बहुत उम्मीद है कि आपका एडमिशन शायद से नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली नंबर ऑफ सीट्स उतनी और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है 10% या 20% नहीं बढ़ेंगे, पूरे 100% और इंक्रीज़ हो जाएंगे, यानी आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत आने वाली है। ये मेरा ओपिनियन था। देखिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हर किसी को अपने ओपिनियन देने का पूरा राइट है। आप चाहो तो अपना कमेंट दे सकते हो सकता है कोई बात मेरे दिमाग में ना आई हो सकता है वो बात आपके दिमाग में आए, तो अब डेफिनेटली उस कमेंट को देना। और शायद से मैं अगली वीडियो को बनाने से पहले सोचूंगा इस बारे में कि मैं ये पॉइंट मैंने इंक्लूड नहीं किया है तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मेरा अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि आप एग्ज़ाम को कैंसिल करने की जगह पर गवर्नमेंट से डिमांड करिए कि हमें अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें सो दैट हम अपने एग्ज़ाम को सेफली दे पाएँ। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर हम एग्ज़ाम को देते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कि हमें ऐसे स्टेप उठाने चाहिए कि हम आगे बढ़ें ज़िंदगी में, ना कि हम पीछे की तरफ जाएँ। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा होगा। और जहाँ तक इस चैनल की बात है तो आई थिंक रेड कलर का आपका सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसे हिट करके उसका कलर चेंज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।